सो टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक जो चैप्टर ना है आटम बेसिकली एटा हमर आटम्स और न्यूक्लियर यूनिट अंडर आछि सो हमें आज स्टार्ट करबा आटम एक्चुअली लोअर क्लासेस रे तमे एटॉमिक मॉडल बाबत रे ऑलरेडी पढ़ी थियो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल बाबत रे कन एटॉमिक मॉडल रा डिस्कशन बाद जितिक भी डेवलपमेंट हमर पाखा पाखे 300 400 वर्ष हेलानी वे ऑलरेडी स्टडीड दोज टाइप्स ऑफ मॉडल स्टार्टिंग लोअर क्लासेस रु भी हमें एटॉमिक मॉडल पढ़ुछ बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सो बेसिकली हमें आज दी एटम्स चैप्टर रे तीनटा एटॉमिक मॉडल एज पर योर सिलेबस पढ़िबा फर्स्ट थॉमसन मॉडल देन तुम रदरफोर्ड मॉडल आसपर आम पढ़ा बोर्स मॉडल तापर लास्ट को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अच्छी विथ दैट विल कंक्लूड आवर चैप्टर सो आटम्स आम कहीं पढ़ा कहीं देख जदि तुम यूनिवर्स देख यूनिवर्स दीटा पार्ट अच्छे यूनिवर्स कत पार्ट अच्छे दीटा पार्ट गोटे है मैटर आ गोटे है एनर्जी सो बेसिकली यूनिवर्स दुटा पार्ट अच्छे गोटे मैटर आउ एनर्जी मैटर एनर्जी मिसिकी यूनिवर्स तो मैटर को जानिया पे हमको आटम को जानिया को पड़ो एनर्जी तो आम रेडिएशन अंडर आसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो जेहेतु आम आटम्स कहीं पढ़ुचे टू नो डिटेल्स अबाउट द मैटर एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स ओके सो इफ यू सी एक्चुअली इफ यू सी मैटर यदि आम मैटर को भांगा सपोज वी हैव टू डिवाइड द मैटर आम कौटी पहुँचवा मॉलिक्यूल्स रे पहुँचवा आम कौटी पहुँचवा मॉलिक्यूल्स रे पहुँचवा मैटर को जब आम भांगी देवा क्या पहुँचवा मॉलिक्यूल्स रे मॉलिक्यूल्स को जब आम भांगा आम पहुँचवा आटम्स रे आटम्स को जब आम भांगा आम पहुँचवा न्यूक्लियस आउ न्यूक्लियस चारिपटे कौन था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को जब भांगा आम पहुँचवा न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन रे सो न्यूक्लियस को भांगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन पुणी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जब आम फर्दर भांगा न्यूट्रॉन आउ प्रोटॉन को जब आम भांगा आम पहुँचवा क्वार्क रे तो आज पर्यंत एक्सपेरिमेंटली प्रूवन जे आमर एतिक क्वार्क ही हूँ फंडामेंटल और एलिमेंटरी पार्टिकल्स क्वार्क्स रु न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ इलेक्ट्रॉन मिसिकी तुम कौन न्यूक्लियस मैंने सॉरी न्यूक्लियसटा होती न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है क्वार्क्स कहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबस्ट्रक्चर अच्छे ट्वेल्थ लेवल आम न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर्यंत कहूँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी सबस्ट्रक्चर अच्छे जोटा क्वार्क कहूँ क्वार्क आउ इलेक्ट्रॉन जोटा को लेप्टन भी कहा जाए पार्टिकल फिजिक्स हिसाब से क्वार्क आउ इलेक्ट्रॉन्स लेप्टन को लेकिन आमर बेसिकली आम कहीपर आटम्स आटम्स को लेकिन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स को लेकिन मैटर दिस इज द बेसिक थिंग दैट मैटर कंप्राइज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल कंप्राइज्ड ऑफ आटम आटम रु आम न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अच्छे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रा सबस्ट्रक्चर होची क्वार्क क्वार्क आउ इलेक्ट्रॉन होची फंडामेंटल और एलिमेंटरी पार्टिकल जहाँ को आम फंडामेंटल एलिमेंटरी पार्टिकल कहवा तार आउ सबस्ट्रक्चर ना तो एक्सपेरिमेंटल ये पर्यटन आम प्रूवन हो फर्दर देर आर स्ट्रिंग थ्योरी अल्सो से कहे क्वार्क भी स्ट्रिंग रे तैयारी बट दैट इज आवर नॉट मैटर ऑफ कंसर्न ओके विल कंटिन्यू द चैप्टर आटम ओके नाउ सी सो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल इज योर थॉमसन एटॉमिक मॉडल फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो पढ़ा दैट इज कॉल्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल इट वाज प्रपोज्ड बाय जे जे थॉमसन सो अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्चुअली इट कंप्राइज्ड ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एक्चुअली इट कंप्राइज्ड ऑफ ए पॉजिटिव स्फीयर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव स्फीयर You can see this plus sign. This is a positive sphere where electrons are embedded. Embedded means sajayiki thai. And it compare with the plum pudding model and watermelon model. Watermelon model aapko kahin kaha jaye? Kena watermelon ne tamo jo red percent ta tamo dhara positive, mane protons, positive particles and jo electrons hala manji. Okay. So electrons hala tamo ra basically jo manji guda. आउ रेड परसेंटा है तुम पॉजिटिव स्फीयर जोटा को आम प्रोटॉन्स कहूँ से प्लम पुडिंग रे भी प्लम पुडिंग रे तुम पुडिंगटा हूँ इलेक्ट्रॉन एंड प्लम हूँ तुम बेस जोटा को आम प्रोटॉन्स कहूँ बट इट वाज द फर्स्ट प्रपोज मॉडल बट देर आर सर्टेन लिमिटेशन से आपको एक्सेप्ट करागलानी दैट
has some limitation, like could not explain the spectral series. I'm a podibas hydrogen spectrum about the information delani. He could not explain the observation that gold foil experiment or scattering experiment or conduct it. I'm a podi rather for model gold foil scattering experiment. Hey, set a corner, I'm a details of podiba. Save up the kitchen information. But lots of experimental results at our model postulate resemble helani. Setipa it cancel out here. Just podica point of view of the liquid data point important. Jethiki positives. चार्ज पार्टिकल अच्छे से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अच्छे प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या समान सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है ए पॉजिटिव स्फीयर इलेक्ट्रॉन गुड़ा एम्बेडेड है सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट तुम लिख इट इज ऑल्सो नोन आज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटर मेलन मॉडल ये तुम लिखार अच्छे हाँ लिमिटेशन में कौन लिखार अच्छे ना लिमिटेशन डजंट एक्सप्लेन वेरियस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आइन स्पेक्ट्रम and revolution of electron around nucleus, all those things cannot be explained by these models. That's why we come across another model, which is a more modified model, which is known as Rutherford model. So next our discussion is about Rutherford model. But the Rutherford model actually basically its model was like proposed when we see some conclusion. When you conduct that experiment called alpha particle experiment, alpha particle scattering experiment, chota hella, tar conclusion ko nahi ki Rutherford model proposed karala. Okay, na ki Rutherford model proposed hella, tar experiment hella. Experiment hella pare tar conclusion ko nahi ki model proposed hella. To experimenter setup ta kon dekho? Ei part ta tumi jo dekho cha, eta hella radioactive source, jota ko ame bismuth nahi che, as a radioactive source. Radioactive source kon jo utho radiation bari. Kon bari ba? रेडिएशन बाहर से रेडिएशन को बेसिकली आम आल्फा सोर्स नौचे आल्फा पार्टिकल बाहर क्या पढ़ न्यूक्लियर रेडिएशन में तीन प्रकार पार्टिकल था आल्फा बीटा गामा तो ये कौन बाहर आल्फा पार्टिकल्स बाहर आल्फा पार्टिकल कौन मन रखता पे मैंने आल्फा पार्टिकल है गोटे पार्टिकल जोटा को बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस को कहुए क्या कहुए आल्फा पार्टिकल मैंने कौन बुझे हीलियम न्यूक्लियस आल्फा पार्टिकल मैंने कौन हीलियम न्यूक्लियस तामने आर जदि चार्ज किए पचार व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मन रखता चार्ज हो प्लस टू ही जदि किए पचार मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटीन ओके तो अल्फा पार्टिकल माने कौन बुझ अल्फा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस और तुम्हें कही पार डब्ल्यू आई एन एस हीलियम आटम कहीं हीलियम आटम जो दुटा इलेक्ट्रॉन देदेला तो खाली न्यूक्लियस रोटा भी तुम्हें कहींपर आ चार्ज के प्लस टू ही मैंने टू टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटीन तुम्हें कहींपर अल्फा पार्टिकल मास के 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ओके नाउ ताले हमें कोई परबा अल्फा पार्टिकल टा कोन गोटे हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो से रेडियोएक्टिव सोर्स रु हमें यदि हेवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बमबाट करबा गोल्ड फॉइल रे जतरा हमें बमबाट करबा कना गोल्ड फॉइल टा को हमें काई नै जे अलगा एलिमेंट काई नैलेनी गोल्ड प्योरिटी अधिका छ आ गोटे हला तार डक्टिलिटी मलिएबिलिटी तन्यता नमनीयता गुण ए दीटा रीजन जो एक तो गोल्ड को तम प्योरेस्ट मेटल and it has ductility and malleability properties so you can bend it you can give any shape as per your requirement that's why gold foil is taken as a target to eti ko hoje basically alpha scattering amne gold ko noche gold ro atomic number hoje 79 au ei chari pote dekho gote pink color dekhai che that is the screen fluorescent screen alpha particle jetale gold foil deki pass karibo it scattered in different angle to joti bhi collide karibo ba screen le it प्रड्यूस ग्लोज मैंने तुम से जगह ग्लो हम कहीं ग्लो हम क्या फ्लोरोसेंट स्क्रीन ना तो सी बाजिले ड्यू टू इंटरेक्शन से ग्लो कर तो सो दैट आम जापर कौ एंगल रे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होके सो दिस इज द बेसिक पिक्चर तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन अच्छी टारगेट मटेरियल हिसाब से गोल्ड फॉइल निहाई आ रेडियोएक्टिव सोर्स निहाई कौन बिस्मथ जो थ्रू अल्फा रेडिएशन बाहर ठीक अच्छे अल्फा पार्टिकल कौन आम जान नेक्स्ट सो नेक्स्ट जितेबाला आम या बमबाट करवा तादरे किसी ऑब्जर्वेशन आम देखिले मोस्ट ऑफ़ द अल्फा पार्टिकल वेंट ऑन डिफ्लेक्टेड लेस देन 1 डिग्री यानी कि तुम्हारा जो जितकी अल्फा पार्टिकल बमबाट है मोस्ट ऑफ़ द अल्फा पार्टिकल आर पार हो पड़ेगा जमीन किसी टारगेट मेटेरियल ही ना लाइक दिस सो सेटअप फास्ट ऑब्जर्वेशन सेकेंड ऑब्जर्वेशन है वेरी लेस पार्टिकल लाइक 0.14% ऑफ़ द टोटल अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड मोर देन 1 डिग्री एंगल
तो 1 डिग्री अधिक ओनली 0.14% तमाने जितकी तुम अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड कर तर ओनली 0.14% ही ग्रेटर देन 1 डिग्री डिफ्लेक्टेज नियरली 1 in 8000 डैट इज डिफ्लेक्टेड ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल क्या डिफ्लेक्शन जो एंगल 90 डिग्री अधिक जो आम कह प्रोबिलिटी इज वेरी लेस आ वेरी 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 लेस है कौटा कौन जोटा कंप्लीट बाउंस बैक कंप्लीट बाउंस बैक मैंने जो सपोज लाइक दिस इज द टारगेट तो दिस इज द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल इट रिटर्न बैक सो हियर योर स्कैटरिंग एंगल इज 180 डिग्री सो दिस केस इज वेरी रेयर ऑल्सो दिस केस इज वेरी रेयर लाइक 1 in 20,000 सो देर आर सर्टन बुक्स जो लिखाई स्कैटर्ड एंगल 180 डिग्री इज वेरी लेस 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल से प्रोबिलिटी एत लेस बाउंस बैक हो तो देर आर वेरियस रिजल्ट जे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड रोचंती आउ ओनली 0.14% तुम्हारे 1 डिग्री अधिक रोचंती आउ नियरली 1 in 8000 रोच 90 डिग्री अधिक वेरी रेयर टू रेयरेस्ट दैट इज 1 in 20,000 तुम्हें कहींपर तो जोटा बाउंस बैक हो मैंने जो डिरेक्शन से डिरेक्शन रिटर्न कर दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक एंड बाउंस बैक तुम स्कैटरिंग एंगल हम 180 डिग्री सो दैट प्रोबिलिटी इज वेरी वेरी लेस Now these are the observation that we drawn from the alpha scattering experiment. So alpha scattering experiment also known as GM experiment according to the name scientist name. Okay. So what are the conclusion you can draw from the alpha scattering experiment? Basically these are the conclusion that most of the alpha particle were straight, which suggests that most of the space of the atom is empty. ओके जेहेतु बहुत गुटे अल्फा पार्टिकल पास होकर पड़ेगा से आम कहीपर जो आटम रो मोर दैन 95% स्पेस हो कंप्लीटली वेकेंट ओके एंड टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट जेहेतु किसी डिफ्लेक्शन 90 डिग्री भी हो लेस दैन ग्रेटर दैन 1 डिग्री भी होटा सजेस्ट कौन करैट अल्फा पार्टिकल बाय नेचर पॉजिटिव दैट मस्ट बी ए सम पॉजिटिव चार्ज सो दैट पॉजिटिव रिपेल इच अदर दैट साइड सटन डिफ्लेक्शन अकर्स सो डिफ्लेक्शन रीजन कौन किसी पॉजिटिव चार्ज अच्छी आटम भितर जोटा पर जाए कहे न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस टोटल पॉजिटिव चार्ज अच्छी जार रिपल्सन जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होटा लास्ट डायग्राम देखने आउ जोटा आमर हेड ऑन कोलिजन होची से केस रे एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग जोटा आमर हेड ऑन कोलिजन होची सेटा सजेस्ट करछु जे आमर बाउंस बैक केसटा जोटा आमर हेड ऑन कोलिजन होची लाइक जो डायरेक्शन आछे से डायरेक्शन रे फेरुची सो व्हिच सजेस्टेड दैट इट जो द सेंट्रल पार्ट कंप्रेस्ड अ वेरी टाइनी रीजन माने आमर जो न्यूक्लियसटा अछि आटम रो बहुत छोटो रीजन अछि सपोज एटा हला आटम तो आटम रो लेस देन 5% जगह रे ही तमरो कोन अछि न्यूक्लियसटा अछि जहाँ जो ये बाउंस बैक केसटा आसुच ओके सो दिज आर द यू कैन से कंक्लूजन ओके वी ड्रॉन फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल नाउ वी विल स्टडी नाउ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच देर इज अ डेरिवेशन यू कैन डू इट राइट नाउ सो सी सो बेसिकली देख एटा हला हमर न्यूक्लियस एटा हमर कौन न्यूक्लियस न्यूक्लियस रे केते चार्ज अछि प्लस जेडी चार्ज अछि न्यूक्लियस रे केते चार्ज अछि प्लस जेडी काहेकि न्यूक्लियस रे नंबर ऑफ प्रोटॉन केते जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन था कोनो से भी एलिमेंट नियो तो तार चार्ज केते हो प्लस जेडी तो न्यूक्लियस को अप्रोच के करछि अल्फा पार्टिकल रे चार्ज केते हमें नबा प्लस 2e नाउ अल्फा पार्टिकल रे हमें पर्टिकुलरली को केसटा नबा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पई ना बाउंस बैक केसटा कहने देखो जितकी भी केस अच्छी सब नियरेस्ट अप्रोच को केस रही थी जिते बड़े एटा बाउंस बैक हो तमें जो डायरेक्शन में आई डायरेक्शन में फेर थी से केसटा को ही आम कह बाउंस बैक आते ही डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस आउ अल्फा पार्टिकल इज मिनिमम सो दिस डिस्टेंस इज नोन आज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एटा को आम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच नहीं पार जोटा को आम सिंबल वाइज R0 रे रिप्रेजेंट कर सिंबलाइज क्या रिप्रेजेंट करछे आर जीरो तो आर जीरो इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहीं ना देख एटा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल आउ न्यूक्लियस भितर जो डिस्टेंस को हम कहे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओके तो एटा को केस रे आसीबो बाउंस बैक केस रे आसीबो नाउ बाउंस बैक केस रे जदि हमें एठी हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पकेबा तो देख अल्फा पार्टिकल पई जदि हमें पकेबा स्टार्टिंग रे
आर जदि आम पकेबा कंजर्वेशन एनर्जी प्रिंसिपल मेकानिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मेकानिकल एनर्जी फाइनल ये सर नो समस्त जानते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल हिसाब से मेकानिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मेकानिकल एनर्जी फाइनल जोटा चाहिए आम एमती लिख पार काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ओके नाउ इनिशियली अल्फा पार्टिकल कौट बाहर रेडियोएक्टिव सोर्स बाहर तो तार केवल काइनेटिक एनर्जी थी दैट इज नो पोटेंशियल एनर्जी कहीं सी इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी पोटेंशियल सो आम कहीपर इनिशियल केस रे ओनली यू हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सो ये पोटेंशियल एनर्जी टा जीरो हो जीवो सो ओनली यू हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जितने आसिक ये रही जाऊँच क्या ये स्टप हो बाउंस बैक हो मैंने से कौन हो रेस्ट रही रेस्ट है वेलोसिटी जीरो मैंने काइनेटिक एनर्जी जीरो तो फाइनल केस रे हमें कोई परिवा काइनेटिक एनर्जी टा जीरो किंतु पोटेंशियल एनर्जी अच्छी तो सर पोटेंशियल एनर्जी कमी आसा ये दुटा चार्ज पार्टिकल तक भितर डिस्टेंस अच्छी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी ये फाइनाल केस रे हमें कहींपर काइनेटिक एनर्जी टा जीरो सो वी ओनली हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ओके जोटा को आम लिख पार फॉर्मूला वाइज तुम जान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ थो व्हाट इज द फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर तो ये क्यू वन टाक तुम नहीं पार कार चार्ज अल्फा पार्टिकल चार्ज जोटा है के इंटु टू न्यूक्लियसर चार्ज जोटा है जेडी डिवाइडेड बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर तो ये आर टाइम आर कौन ना आर जीरो ना आर जीरो मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ यू के कौन है के तुम प्रोफेशनली कांस्टेंट जोटा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन टू कहीं निला क्यू वन मैंने आम अल्फा पार्टिकल चार्ज क्यू टू मैंने न्यूक्लियस चार्ज जोटा जेडी इफ यू मल्टीप्लाई इट द टोटल एक्सप्रेशन विल बी टू के जेडी स्क्वायर बाय आर नॉट सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एंड इट इज 2k Zd square by R naught and the kinetic energy of alpha particle is LHS bar. So that implies, or you can say that implies kinetic energy of alpha particle is equal to 2k Zd square by R naught. So this is the formula for your distance of closest approach. If you write like this, dekho jodi ame r0 bar karibo r0 kete ho 2k Zd square डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ओके सो दिस इज योर फॉर्मूला दिस इज योर फॉर्मूला एडा ला तम फॉर्मूला देखो समझते दिस इज योर फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रो फॉर्मूला कौन कले अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल मेकानिकल इनिशियल इक्वल टू मेकानिकल एनर्जी फाइनल स्टार्टिंग रे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी आउ फाइनली देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जोटा को आम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को इक्वेट कले का सहित पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेट करके आम ये आर जीरो बाहर कले आर जीरो के आर जीरो को कहुए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज टू के जेडी स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ओके सो इथ्रू न्यूमेरिकल भी आसे तो न्यूमेरिकल कौन बेसिकली पचार थो मन रखता हूँ जब पर्टिकुलरली अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट कहलाने ये तुम जेड सब के पकेब 79 कहीं आम ये गोल्ड फॉइल नहीं चाहे टारगेट तो जेड सब ये पड़ो 79 तापर काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल गिवेन थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पचार थो और कौन हो पाए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवेन थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल पचार तो आइदर ये दुटा भितर ही तुम चेंज कर गोटे देखिए गोटे पचार बेले बेले कौन हुए किसी क्वेश्चन तुम देख से हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली यू टेक टारगेट आज ए सपोज सिलिकॉन और जर्मानियम और एवरीथिंग आयरन समथिंग लाइक दैट जी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तुम से पर्टिकुलर एलिमेंट रो एटॉमिक नंबर नब जेड जी कि मेनसन कराएनि हाइपोथेटिकल आटम किसी कहनी कहुच अल्फा स्केटिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर जीरो ये अच्छी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बाहर करो कि काइनेटिक अल्फा पार्टिकल देगी एटा बाहर करो तो से केस रे जेड 79 नौ तो तुम्हें किसी न्यूमेरिकल कले जापर बेसिकली गोटे देखिए गोटे पचार ठीक अच्छे आर यू क्लियर ओके नाउ आउ गोटे जिनस है तुम जब देख ये आम गोटे यूनिट व्यवहार करूँ कौन से यूनिट देख ये गोटे एग्जांपल भी कराई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आम 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गोटे यूनिट व्यवहार करा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जान था 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल ओके 1 एम ई एक्चुअली के 1 एम ई वैल्यू हूँ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल
जदि तुमको दे थे दैट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल हम तो एम इ है गोटे एनर्जी यूनिट तो एम इ दिखाई कैनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल देख डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बाहर के 41.3 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2k जेडी स्क्वायर बाय कैनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल दिस तो यह गोटे एग्जांपल यू कैन कंसीडर इट कैनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल दे आर जीरो पचार आउ किसी क्वेश्चन आर जीरो दे थो कैनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल पचार ओके सो नाउ देर इज अनदर कनसेप्ट एटा तुम ये ना मैंने आज फर इयर से सिलेबस ना बट जाना कथ एंट्रांस इंपैक्ट पैरामीटर ओके इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल इंपैक्ट पैरामीटर कौन जब तुम ये रेफरेंस लाइन टाक नब ये देख मिडिल लाइन जोटा को आम कहीपर सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस मैंने न्यूक्लियस इधर एटा अच्छे ना सेंट्रल लाइन आउ तुम जो अल्फा पार्टिकल को बोमबार्ड कर तार गोटे लाइन थी तो भितर जो गैपटा देख सपोज यहाँ है सेंट्रल लाइन यहाँ है सेंट्रल लाइन देख पार्थ यहाँ है सेंट्रल लाइन कि अल्फा पार्टिकल इनसीडेंट हो लाइन में तो आंख भितर जो गैपटा अच्छी से गैपटा को आम कह कौन इंपैक्ट पैरामीटर सो इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली डिसाइड द ट्राजेक्टरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल सो द ट्राजेक्टरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन सी दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर जो ऑफ अल्फा पार्टिकल जो एंगल भी अप्रोच कर वेलोसिटी वेक्टर एंड यू कैन सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस लाइन से जो इनसीडेंट होती भितर थी परपेंडिकुलर सपोज ये इनसीडेंट होते ये डिस्टेंसटा ना ये इनसीडेंट होते ये डिस्टेंस ना सो दिस आर ये जो ग्रीन लाइन्स गुड़ा तुम कहीपर कौन इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट पैरामीटर गोटे बेसिक जिनस है जिते न्यूक्लियस पाखापाखी इंपैक्ट पैरामीटर रो ते अधिक एंगल डिफ्लेक्शन हम निजे कौन जिते इंपैक्ट पैरामीटर लो हम तुम्हें से अधिक स्कैटर्ड हम अल्फा पार्टिकल जिते इंपैक्ट पैरामीटर हाई हम से कम स्कैटर्ड हम कहीं पाखे थे अधिक रिपल्सन हम दूर थे कम रिपल्सन हम ओके आदर क्वेश्चन एमती भी आसे जमी सपोज मुझे कह अल्फा पार्टिकलटा बोमबार्ड है अलोंग द सेंट्रल लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हाट इज द इंपैक्ट पैरामीटर जीरो हम इंपैक्ट पैरामीटर जीरो के हम जब अलोंग द सेंटर तुम इनसीडेंट कल अल्फा पार्टिकल से बी जीरो हम ओके बी जीरो स्कैटर्ड एंगल के 180 डिग्री हम क्या मैंने ये जब तुम 180 डिग्री पकईदेव तुम इंपैक्ट पैरामीटर जीरो बाहर ओके क्या इंपैक्ट पैरामीटर आम एटी थीटाटा हूँ स्कैटर्ड एंगल बीटा हूँ इंपैक्ट पैरामीटर आज जब बहुत दूर को नब सपोज तुम गोटे अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड कल जो वेरी अवे फ्रॉम द व्हाट न्यूक्लियस सो इन दैट पर्सपेक्टिव थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो क्या बहुत दूर गले रिपल्सन कम थीटा जीरो पकईदे तुम बी वैल्यू बाहर तो ये टाइप क्वेश्चन हम जब नियरेस्ट अप्रोच कौन हम वेरी फार अप्रोच कौन हम ये टाइप थ्योरेटिकल क्वेश्चन आदि आसपे ओके खाली मन रखा पाखे जब डायरेक्ट सेंट्रल एक्सेस लाइन में तुम अल्फा पार्टिकल बोमबार्ड कर से केस्रे तुम कौन हम बी जीरो हम कहीं थीटाटा पाखापाखी 180 डिग्री हम जब वेरी फार अवे नहीं जीव से केस्रे थीटाटा तुम स्कैटर्ड एंगल के जीरो डिग्री हम से अनुसार इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट कर पारे सो पैरामीटर दिस इज द फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं खाली मन रख इंपैक्ट पैरामीटर एट फॉर्मूला ये केटा मैंने कौन केटा मैंने 1/4πε₀ और जेड ई स्क्वायर एट तो जानते हो जेड है एटॉमिक नंबर ई मैंने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज थीटा मैंने स्कैटर्ड एंगल के अल्फा मैंने काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल तो हिसाब से मन रख ठीक अच्छे Now we have Rutherford adapting model and its limitation. Rutherford model बाबत हमें पढ़ले तार फास्ट हमें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बुझे ऑब्जर्वेशन देखिले कौन कौन ऑब्जर्वेशन अच्छी ता कंक्लूजन देखिले कंक्लूजन रु बेसिकली Rutherford atomic model रो पोस्टलेट्स गुड़ा दिया है जितकी Rutherford atomic model रो पोस्टलेट्स अच्छी दैट डिराइव फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ओके तो Rutherford मॉडल टा बेसिकली अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन ही ड्रॉ कराई छ ओके इन द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट Rutherford प्रपोज द एटॉमिक मॉडल जो हम कहे Rutherford एटॉमिक मॉडल नाउ इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैसिव कोर हमें कह पारे आटम रा सेंट्रल पार्ट रे कौन अच्छी जो टाइनी रीजन रे सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच इज एक्चुअली वेरी टाइनी मतलब बहुत एक्चुअली बहुत छोट आ टोटल एंटायर पॉजिटिव चार्ज अच्छी से रिपल्सन होखु गले सो इट कनसीस्ट ऑफ एंटायर द कोर इज वेरी लाइक कनसीस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज वेरी एज कंपेयर टू द साइज इज वेरी स्मॉल एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज इट द ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी दैट इज 10 पावर माइनस 15 मीटर एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज रिवॉल्व अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट
ये पोस्टलेट्स भी किए का देते रदरफोर्ड जे इलेक्ट्रॉन गुड़ाक न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर पाथ बोलते लाइक जमी प्लानेटरी सिस्टम एंड लिखा भी है लाइक प्लानेट रिवॉल्व अराउंड द सन दिज आर द बेसिकली द पोस्टलेट्स ओके जे सेंट्रल पार्ट ऑफ द आटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब जगह पॉजिटिव चार्ज होल मास ऑफ द आटम अच्छी आल ता चारिपटे इलेक्ट्रॉन बुलुंट कौ भाया सर्कुलर ऑर्बिट्रे आउ सर्कुलर ऑर्बिट्रे बुलला बेले तुम कहींपर इट्स रिजेम्बल विथ द प्लानेटरी सिस्टम ओके बट देर आर सर्टन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो लिमिटेशन कहीं आसला देख जदि सर्कुलर ऑर्बिट्रे एमती बुलवे तो असुविधा कौन ना सर्कुलर ऑर्बिट्रे जब बुलवे सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन आसो तुम पढ़ी मेकानिक्स कौन से ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में बुले कौन से ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में बुले तर कौ एक्सीलरेशन आसो सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन आसो जोटाक आम एसी कहू एसी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर तो गोटे चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेटेड हम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इट एमिट रेडिएशन आ जब रेडिएशन एमिट हम मैंने एनर्जी लॉस आ एनर्जी लॉस हेल्ले कौन हम ता ऑर्बिट्रे जो बुलू से ऑर्बिटा धीरे धीरे छोट होगा जो स्टार्टिंग रे बड़ ऑर्बिट थी देख स्टार्टिंग रे बड़ ऑर्बिट होपर आउटे छोट हम तर आउटे छोट हम तर लास्ट अच्छी कोलाइड कर क्या सहित न्यूक्लियस सहित इट फॉलोज ए स्पाइरल पाथ लाइक दिस फॉलोज ए स्पाइरल पाथ लाइक दिस लास्ट क्या कोलाइड कर न्यूक्लियस सहित कहीं एमती हो प्रथम पॉइंट चार्ज पार्टिकल आसलेट हम मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हम आज कहता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चार्ज पार्टिकल इन आसलेटर मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम ये चैप्टर भी तुम अच्छे ट्वेल्थ रे तो जेहेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता मैंने एनर्जी लॉस हम एनर्जी लॉस हेल्ले कौन हम सी ऑर्बिट को मेंटेन कर बड़ ऑर्बिटा धीरे धीरे छोट ऑर्बिट हम पुणी आउट छोट हम तुम आउट छोट हम लास्ट को आसिक कोलाइड कर न्यूक्लियस किंतु एक्चुअल केस रे केबे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भितर कोलिजन होउ कि होनी तान एटम्स आर हाईली स्टेबल किंतु रदरफोर्ड मॉडल को जदि हम धरिबा देखला लगे से एटम्स आर नॉट स्टेबल तो दैट इज द लिमिटेशन जोटा को फास्ट लिमिटेशन कहुए फास्ट लिमिटेशन है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एटा है इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम जोटा मुझे डिटेल तुमको कहली तापर सेकेंड पोस्ट लिमिटेशन है रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कौन देख तुमर जो जेहेतु इट फॉलोज ए स्पाइरल पाथ तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिट कर तार ऑल पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज आसे तमाने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आसे जदि इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी लेवल रही पार्टी एमती नाई जे फिक्स्ड खाली सर्टन एनर्जी लेवल रोचे तार कंटिन्यूअस वैल्यूज आसो आ कंटिन्यूअस वैल्यू आसो मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पाइब किंतु एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली आम जो लाइन स्पेक्ट्रम पाऊ दैट इज डिस्क्रीट इन नेचर किंतु रदरफोर्ड को जदि हिसाब से नवा मॉडल के हिसाब से नवा आम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पाइबा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहीं पाइबा को कहीं ऑल पॉसिबल ऑर्बिट रे जदि इलेक्ट्रॉन बुली पार्टी तमाने से ट्रांजिट कर ऑल पॉसिबल एनर्जी दबो मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलो किंतु एटा का हिसाब रदरफोर्ड हिसाब किंतु एक्चुअली मिलू कौन डिस्क्रीट तमाने अगेन इट फेल्स टू एक्सप्लेन द द कनसेप्ट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम दैट शुड बी डिस्क्रीट बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटा कौन है कंटिन्यूअस होउछ सो दैट टू लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटा को तुम मन रख परीक्षा भी आसे ओके सो नेक्स्ट आस बोर्स एटॉमिक मॉडल सो एटा को हमें सेकेंड लेक्चर कवर करिवा ठीक अच्छे सो दिस आर द फर्स्ट लेक्चर ठीक अच्छे